जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। जो इकोनॉमिक्स का हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जो रमेश सिंह का जो हम लोग कवर कर रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। आज हम लोग बात करेंगे GNP, देखिए GDP और NDP हम बता चुके हैं, आज हम लोग बात करेंगे GNP, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए GDP अगर आपको पता है, GDP हमने सब इसके पहले दो मतलब इस वीडियो के पहले हम लोगों ने GDP के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में NDP के बारे में डिस्कस किया था। देखिए अगर आपको GDP पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो एक साल के अंदर जो आपका सेवा और वस्तुएं के उत्पादन से जो उनका मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम जो उत्पाद है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है, जो मॉनेटरी वैल्यू होती है एक साल के अंदर उत्पादित चीज़ों का, उसको हम लोग GDP। अगर आपको GDP पता है तो आपको NDP, GNP, NNP ये सब निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए कल हमने बात की थी NDP की, तो NDP आपको पता होगा कि जो NDP है वो GDP से जो डिप्रिसिएशन होता है उसको माइनस करके हम लोग ये पता कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था में जो GNP होती है उसमें हम जो GDP होती है, जो GNP होता है उसमें हम लोग जो GDP होती है, किसी भी देश की जो GDP होती है उसमें जो फॉरेन से जो आय है, जो विदेशों से जो हमको आय मिल रहा है, जो इनकम है, उसको हम लोग जब ऐड कर देंगे, इनकम ऑफ अब्रॉड यानी कि विदेशों से होने वाले आय, यानी कि देश से बाहर से जो आय हमको होता है उसको जब हम GDP में ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है, किसी भी अर्थव्यवस्था में GNP उसके GDP में विदेश से होने वाले, सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए, यानी कि इंडिया का जो भी क्षेत्र है इस क्षेत्र से बाहर, यानी कि हमारे देश से बाहर के जगह से, यानी कि विदेश से होने वाले जो आय है उसमें अगर हम लोग GDP में हम ऐड कर देंगे तो आपका GNP निकल जाएगा, GNP पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें जो देश के बाहर जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होंगी वो सब इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, GDP में आपने पता होगा कि GDP में देश से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि GNP में देश से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। अब इसकी हम लोग बात करें तो देखिए बाहर से जो जितने भी चीज़ें हमको मिलती हैं, बाहर से जो भी आय होता है उसको हम लोग तीन पार्ट में देखते हैं। पहला है निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस। देखिए ये तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं, जो भी एक देश होते हैं, दूसरे देश में कमाने जाते हैं, काम करने जाते हैं, और दूसरे देश के लोग यहाँ पे कमाने आएंगे, तो बहुत सारे जो इंडियंस होते हैं वो फॉरेन में दूसरे देशों में, जैसे US हो गया, तो आपके जो खाड़ी देश हो गए, अन्य देशों में कमाने जाते हैं, तो वहाँ से वो लोग उनके बीच में कुछ ना कुछ जो निजी व्यापार मतलब जो पैसे की जो आदान प्रदान है, जो एक्सचेंजेस हैं वो होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंडियंस है जो मान लीजिए US में अगर कमा रहा है, अमेरिका में कमा रहा है, तो वो अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के लिए पैसा तो भेजेगा ही। ठीक है, तो ये जो पैसा है, ये जो पैसा वो भेज रहा है वही है प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक है, बाहर के लोग जो कमाते हैं वो जो इससे जो पैसा जो देश को आय होता है वो भी GNP में ऐड किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है इंडिया हमेशा प्रॉफिट में रहता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस होते हैं जो मैक्सिमम जो बाहर इंडियंस हैं, बहुत सारे इंडियंस बाहर कमाते हैं और वो पैसे भेजते हैं, इसमें इंडिया जो है वो नंबर वन पे है। देखिए अगर 2018-19 की हम लोग बात करें, 2019 में जो भारत में जो प्राइवेट रेमिटेंस के माध्यम से जो पैसा आया था वो था आपका 80 अरब डॉलर, यानी कि इंडिया जो था वो नंबर वन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया है इसमें नंबर वन है, 80 अरब डॉलर आया था इंडिया में। दूसरे नंबर पर चाइना था, 67 अरब डॉलर। ठीक है,
दूसरा माध्यम है पैसा आने का, वो है आपका इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन्स, इंटरेस्ट ऑफ एक्सटर्नल लोन। ठीक है, जो कोई भी देश क्या होता है, दूसरे देश जो होते हैं, बाहर के जो देश होते हैं, उनको लोन देता है, यानी कि पैसे देता है इंटरेस्ट पे। तो वो जो इंटरेस्ट का जो पैसा आता है, इंटरेस्ट का जो पैसा आता है, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा, वो भी आपका जो इनकम ऑफ अब्रॉड है उसमें ऐड किया जाएगा। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है, इसमें जो इंडिया है, इंडिया इसमें नेगेटिव में रहता है, मतलब ये जो है इंडिया के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि जितना लोन हमारा वापस इंटरेस्ट आता है उससे ज़्यादा हम लोन लिए हुए हैं। ठीक है, हमारा जो हमारे देश के ऊपर लोन ज़्यादा है, जितना हम लोन दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा लोन लिए हुए हैं, तो इस वाले में इंडिया जो है वो प्रॉफिट में नहीं होता है, इसमें इंडिया को घाटा होता है। ठीक है, तीसरा है आपका विदेशी अनुदान, विदेशी अनुदान फॉर एक्सटर्नल ग्रांट। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो ग्रांट्स होते हैं, जो अनुदान होते हैं, वो देशों को मिलता है। ठीक है, इंडिया को भी ग्रांट्स मिलता है, जैसे UNDP के द्वारा इंडिया को ग्रांट्स दिया जाता है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन में हम लोग एंटर किए, तो इंडिया भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको ग्रांट्स देता है, अनुदान देता है। तो इस मामले में भी इंडिया जो है वो नेगेटिव में ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको ग्रांट मिलता नहीं है, उससे ज़्यादा हम लोग को देना पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको हम ग्रांट देते हैं, अनुदान देते हैं, तो ये भी इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो जो हमारा GDP है वो हमेशा GNP से ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना पैसा हमारे इंडिया में आता नहीं है बाहर से, उसे ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो इस मामले में हम लोग देखें तो GDP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन GNP। ठीक है, हमेशा जो है वो GDP से कम होता है, आप लोग हम लोग इंडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें, क्योंकि तीन तरीके से पैसे आ रहे हैं। तो उन तीनों तरीकों में जो पहला है आपका प्राइवेट रेमिटेंस है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, और तीसरा है आपका ग्रांट्स। उन तीनों में जो दो हैं, दोनों में इंडिया जो है वो नेगेटिव में है, पैसा आ नहीं रहा है, उससे ज़्यादा जा रहा है, और पहला जो है उसमें पैसा आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो जो इंडिया का जो GDP है वो GNP से ज़्यादा होता है। ठीक है,